अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं नया व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ जी बर्मिंघम इंशाल्लाह ताला। तो गाड़ी पे नहीं, ट्रेन पे जा रहा हूँ। गाड़ी इधर खड़ी कर दी है, अल्लाह के हवाले कर दिया गाड़ी को, क्योंकि रात को वापस आऊँगा। तो अभी जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ, ताकि ट्रेन की टिकट ऑलरेडी बुक है, ताकि वहाँ से ट्रेन पकड़ी जाए और जाया जाए बर्मिंघम। तो आपको भी साथ साथ दिखाएंगे ट्रेन का सफ़र बर्मिंघम जाते हुए, मेरे साथ रहें। सुबह का टाइम, रोड्स बहुत बिजी हैं। ये है जी मैनचेस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये वॉक करके क्रॉस करने वाला जो है सिग्नल वो दबा दिया है, ताकि जैसे ग्रीन हो और हम रोड क्रॉस कर सकें। तो अभी हमें जगह मिल गई है बगैर ग्रीन होने के ही रोड क्रॉस करने की, तो हमने रोड कर लिया है क्रॉस। देखिए जी साइन बना हुआ है पिकाडिली स्टेशन का, ये हम आ गए हैं बिल्कुल पिकाडिली स्टेशन के पास, जो कि मैनचेस्टर में ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से लंदन, बर्मिंघम, एवरीवेयर यहाँ से ट्रेन जाती हैं। ये देखिए जी ये ब्रिज आ गया, इस ब्रिज के नीचे ये भी इन्होंने तो कार पार्किंग बना दी है। ओ द स्टूडेंट की लिविंग है, ये मैनचेस्टर मैकडॉनल्ड्स होटल है। साथ साथ आपको मैनचेस्टर का पिकाडिली ट्रेन स्टेशन भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा सा आगे जाएं तो मैनचेस्टर टाउन शुरू हो जाता है, जो कि ब्यूटीफुल है। ये ट्रेन स्टेशन आ गया जी, आ गया जी, वेलकम टू मैनचेस्टर पिकाडिली। अभी मैं 9:30 इधर पहुंच गया हूं, मगर मेरी ट्रेन है 10:00। ट्रेन स्टेशन काफी बड़ा है, इधर बड़ा ट्रेन स्टेशन है, साइड से कोस्टा भी है। सेंसबरी लोकल भी इधर है। ये इधर ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स हैं।
हम देखेंगे कि हमारी ट्रेन जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे है, आया कि वो टाइम पे है या लेट है। ये देखिए ब्यूटीफुल ट्रेन्स खड़ी हुई हैं उधर। बोर्ड्स भी इधर है, बर्गर किंग है। ये नजर आ गई जी जो हमारी ट्रेन है ऑन टाइम है 10:03 पे, जो कि है स्टॉप एंड ट्रेंट प्लेटफॉर्म नंबर 3 10:03 पे। मॉर्निंग हो और ट्रेन पे आपका सफर हो और कैपेचिनो ना हो, इसके बगैर तो सफर होता ही नहीं। कैपेचिनो भी जो है वो कॉस्टा की होगी। ये हमने ले लिए जनाब, इसके अंदर स्वीटनर डाल दिया, अभी पियेंगे। मैं जनाब अंदर आ गया हूँ, ट्रेन वाली जगह पे आके बैठ गया हूँ। तो हमारी जो मेरी जो ट्रेन है ना वो इसके बाद है। ये अभी जो स्टॉकपोर्ट ब्रिस्टल टेंपल जा रही है, इसके बाद जो आएगी वो ट्रेन है जो स्टॉप एंड ट्रेंट से होती हुई जाएगी बर्मिंघम। साथ साथ ट्रेन का वेट हो रहा है और साथ साथ कोस्टा पी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात का लाख लाख शुक्र है। चलें जी, हमारी ट्रेन आ गई है, अभी ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं। ये देखें जी, ये ट्रेन में उन्होंने टॉयलेट बनाया हुआ है पैसेंजर्स के लिए, नाइस एंड क्लीन। जो प्लेन है उसके टॉयलेट से बड़ा टॉयलेट है ये। उसके बाद ये हम आ जाते हैं आगे, ये सीट्स हैं इसकी, इसमें हर की अपनी अपनी जगह पे सुकून से बैठा हुआ है। हम भी इधर कहीं पे जहाँ पे हमें जगह मिलती है हम कहीं पे बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठते हैं जी, देखें नाइस सीट्स हैं। अभी इसमें 10 मिनट हैं चलने के लिए, बाहर से दूसरे प्लेटफॉर्म देखें आप। ये बर्मिंघम में आपको 1.5 आवर में पहुंचा देती है। वैसे अगर आप बाई रोड जाएं, कार पे जाएं, तो वो 2 घंटे आपको लग ही जाते हैं। और जो कोच है, बस जो है वो आपको तकरीबन 3 घंटे में पहुंच जाती है। तो बेस्ट वे जो है वो यही है कि आप इसमें जाएं ट्रेन में। ये लें जी, ट्रेन अपने पूरे टाइम पे 10:03 पे चल पड़ी है। ये देखिए पिकाडिली मैनचेस्टर। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं बर्मिंघम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सख्खल्लना हाज़ा। ये लेंगे सफ़र की दुआ पढ़ ली, इंशाल्लाह ताला भी आपको साथ साथ दिखाएंगे जहाँ पे भी अच्छे सीन आए, अच्छी सीनरी आई, इंशाल्लाह ताला साथ रहे हमारे। ये हम हैं और ये है ट्रेन का टॉयलेट। ये देखें, आपको विजिट कराते हैं। ये सोप है, आपको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद वाटर है, ये ऑटोमेटिक है,
ड्रायर ऑटोमेटिक है, सिंक लगा हुआ है, उसके बाद ये बेबी चेंजिंग वाला भी इसमें है, उसके बाद ये देखें, जब आप मेक श्योर जब आप अंदर आए तो लॉक जरूर करें, उसके बाद फिर आपने जब ओपन करना है तो ये देखें, इसको आपने डोर को ये करना है, ये देखें डोर आपके लिए खुल गई है। चले जी हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं स्टोक एंड ट्रेंट के बाद फिर आएगा स्टेटफोर्ड, स्टोक एंड ट्रेंट, ये स्टोक एंड ट्रेंट जो है ये फेमस है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे सिरामिक्स का सामान जो है वो बहुत, इसे कैपिटल ऑफ सिरामिक्स बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे इधर आल्टन टावर है जो कि जहाँ पे राइड्स हैं बहुत ही फेमस इंग्लैंड में जो राइड्स हैं उस वजह से ये बहुत फेमस है स्टोक एंड ट्रेंट। तो जो नेक्स्ट स्टॉप इसके बाद आएगा स्टेटफोर्डशायर, स्टेटफोर्ड है वो भी इंग्लैंड पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है इस वजह से क्योंकि वो जो स्टेटफोर्ड है वो होम टाउन है विलियम शेक्सपियर का, तो हर किसी को पता ही है विलियम शेक्सपियर जो थे वो कौन थे, तो इस वजह से ये वेरी फेमस है। ये हम आ गए जनाब स्टेटफोर्ड, स्टेटफोर्ड आ गए, ट्रेन रुकी है, एक बार हल्की हल्की जो रेन है वो हो रही है। विलियम शेक्सपियर का इधर घर भी है जी स्टेटफोर्ड में, देखने वाली जगह है। जी हम पहुंच गए अभी वोल्वरहैम्पटन सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन, ये भी इधर भी बहुत जो फेमस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन है जो कि वेस्ट मिडलैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन है। हेलो जी हम पहुंच गए बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट पे, ये देखें जी बर्मिंघम हम आ गए हैं, ये बर्मिंघम का जो न्यू स्ट्रीट का ट्रेन स्टेशन है क्योंकि बर्मिंघम जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इंग्लैंड का, तो इधर उन्होंने बुल बनाया हुआ है बहुत बड़ा स्टेशन पे, बहुत प्यारा स्टेशन है ये। अभी बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड है बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं।